इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, जनता को सरकार का महंगाई का उपहार अखिलेश यादव ने बात कही है। तो देखिए अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए उसी को लेकर अब यहां पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और तोहफा दिया है, एक और उपहार दिया है, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, चुनाव खत्म महंगाई शुरू, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जनता को सरकार का महंगाई का एक और तोहफा। तो देखिए पेट्रोल और डीजल के साथ साथ अब एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो लगातार बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और उपहार दिया है, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है, वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म महंगाई शुरू। तो तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। महंगाई को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है, ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को सरकार का महंगाई का उपहार, बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और उपहार जनता को दे दिया है। तो देखिए लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। चुनाव खत्म महंगाई शुरू, ये तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए पेट्रोल और डीजल के साथ साथ अब एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहा है।